हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने महराज जुड़ाई यूट्यूब चैनल में। आज दोस्तों बात करते हैं बीए फर्स्ट ईयर के यानी कि साइकोलॉजी के सेकंड पेपर के बारे में। सोसाइटी इन इंडिया 2022 की मुख्य परीक्षा का पेपर है जो आने वाली सभी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से, साथ में दोस्तों ये भी बताएंगे कि यह किस यूनिवर्सिटी का पेपर है। अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट 100 नंबर का पेपर है, आपको पासिंग के लिए 36 मार्क चाहिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्षेत्रीय परिदृश्य को परिभाषित कीजिए। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन किसने लिखी? भारत में सामाजिक तनाव किसने लिखा है? रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्गुस ऑफ साउथ इंडिया किसने लिखी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृतिकरण से आपका क्या आशय है? पश्चिमीकरण क्या है? परंपराओं का द्वंद अवधारणा किसने दी? संयुक्त परिवार को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में नातेदारी संगठन किसने लिखी थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू विवाह के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? गंधर्व विवाह क्या है? गोत्र बहिर्विवाह को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुलोम विवाह क्या है? मुस्लिम विवाह में मेहर क्या है? नातेदारी के प्रकार कौन से हैं? ठीक है, विलिंग सहोदर विवाह की परिभाषा दीजिए। जातिवाद को परिभाषित करना है। सांप्रदायिकता क्या है? मादक पदार्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दो, पाठ्य अध्ययनों के स्रोत क्या हैं? प्रभु जाति क्या है? ठीक है, लोकीकरण से आपका क्या तात्पर्य है? नेक्स्ट, संयुक्त परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता बतानी है। हिंदू विवाह और मुस्लिम विवाह में अंतर क्या है? नातेदारी की विभिन्न श्रेणियाँ लिखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं? भ्रष्टाचार को परिभाषित कीजिए। जाति व वर्ग को विदित कीजिए। ठीक है, वयोवृद्धि की दो परंपराएँ बतानी है। पार्ट सेकेंड यानी क्वेश्चन नंबर तीन, क्षेत्रीय परिदृश्य अध्ययन के उद्देश्य व स्रोत की चर्चा कीजिए। डीपी मुखर्जी भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तनों को कैसे समझाते हैं वो बताना है आपको। परिवार व्यवस्था में दृष्टिगत विभिन्न बदलावों की चर्चा कीजिए। विवाह व्यवस्था में दृष्टिगत विभिन्न बदलावों की चर्चा कीजिए। महिलाओं के खिलाफ अपराध पर एक लेख लिखना है। भ्रष्टाचार रोकने के लिए उपायों की चर्चा कीजिए। ठीक है, यह आपका कंप्लीट पेपर हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो आगे आने वाली यूनिवर्सिटियों के लिए साइकोलॉजी पेपर इसी प्रकार के आने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अन्य अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू दोस्तों।